नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस 24 जून को है। ये दिन शनिवार पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि अमावस्या या शनिश्वरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस रोज़ किए गए कुछ खास उपायों से आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। शनि को सीमा का ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ से सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है, वहाँ से शनि का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर आप स्नान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। दोस्तों, जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष, कालसर्प दोष एवं शनि प्रकोप हो, जिनके घर में हर समय क्लेश या कलह होती हो, घर का कोई सदस्य असाध्य रोग से पीड़ित हो, जिस रोग से वो बहुत दुखी हो, जिनके बच्चे विवाह आदि में देरी हो रही हो, या विवाह आदि में कोई उनके बच्चों का विघ्न पड़ रहा हो, जो शनि प्रकोप एवं संतान से पीड़ित हो, जिनके व्यापार में घाटा हो, उन्हें शनि अमावस्या पर शनि को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे शनि प्रसन्न होता है और आपके इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर देता है। इन सारी समस्याओं में शनिवार या शनि अमावस्या के दिन आप कोई खास उपाय करते हैं तो आपको आराम मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, उन लोगों को शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। अमावस की रात 8 काजल की डिब्बी और 8 बादाम को काले कपड़े में बांध कर रख दें। ऐसा करने से शनि की ढेया खत्म हो जाती है। शनिवार को भगवान शनि के मंदिर में जाकर उड़द दाल से बनी खिचड़ी या तेल से बने पकवानों का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। दान करते समय शनि के बीज मंत्रों का जाप करना ना भूलें। आप तिल से बने पकवानों का शनि के मंदिर में जाकर दान कीजिए, या उड़द की दाल से बने पकवान या खिचड़ी दान कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष चल रहा है, उन लोगों को दोस्तों शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर 7 तरह के अनाज चढ़ाना चाहिए। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक आपको शनि के हर तरह के प्रभावों को कम कर देता है, शनि दोष या साढ़ेसाती को कम कर देता है। शनिवार के दिन शनि मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप शनि स्त्रोत, शनि अष्टक या शनि सत्वराज का पाठ भी कर सकते हैं। शनि सत्वराज का पाठ करने से भी शनिदेव खुश होते हैं, साथ ही पाठ करने वाले के मन को शांति मिलती है। पाठ करने वाले के जो शनि की ढेया या साढ़ेसाती चल रही है, उनमें वो काफ़ी प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, इस शनिवार को अमावस्या होने से वृद्धि योग बन रहा है, आद्रा नक्षत्र और नागकरण भी है, जिसके कारण इस दिन की अहमियत और बढ़ जाती है। दोस्तों, वृद्धि योग जो है वो आपके धन धान्य को 3 गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, इस दिन शनिदेव की साधना करना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। इस दिन साधना करने से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।